Welcome to Mexico! स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फिलहाल हूँ मैं कैनकन सिटी मेक्सिको। मेक्सिको देश है, कैनकन है सिटी का नाम। जैसा कि मैं हर एक देश में एक वीडियो बनाता हूँ कि वो देश कितना महंगा है कितना सस्ता है, और आप लोग फिर कंपेयर करते हो इंडिया से कि अपना इंडिया इस देश के मुकाबले कितना सस्ता है और कितना महंगा है। जो डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं मैं आपको दिखाऊंगा वो मेक्सिको में कितनी सस्ती हैं कितनी महंगी है। आपको हर चीज के बारे में डिटेल से रिटेल में जानकारी दूंगा, चिंता मत करना। आपको इजी हो जाएगा कि इंडिया से कितना महंगा है या कितना सस्ता है, और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा अगर आप मेक्सिको घूमने आ रहे हो तो आपको कितना पैसा चाहिए। गिर गए थे यार, फोकर लगी, कैमरे में फोकस था मेरा पूरा। चलो कोई नहीं, जैसे कितने का होटल बुक होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना महंगा है, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा दिखाऊंगा। मैं पहुंच गया हूं मेक्सिको के सबसे सस्ते सुपरमार्केट में, वॉलमार्ट में। ऐसा नहीं है कि यहां आपको गिने चुने मिलेंगे, बहुत सारे वॉलमार्ट आपको देखने को मिलेंगे, और लोकल लोग हैं वो मोस्टली यहीं से शॉपिंग करते हैं भाई। वॉलमार्ट मतलब फेमस जगह है शॉपिंग करने के लिए स्पेशल। इससे आपको अच्छा आइडिया आ जाएगा कि कितना महंगा है कितना सस्ता है। आपको बहुत सारी चीजों के रेट दिखाऊंगा, देखते रहना। मुझे तो मेक्सिको महंगा लग रहा है भाई, अमेरिका जितना महंगा लग रहा है। रहने के मामले में सस्ता है, पर वो बाद की बातें हैं, वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एंट्री करते हैं, अंदर चलते हैं। खुल जा भाई गेट, तो ये खुल गया अपने लिए गेट। चलो चलते हैं अंदर और कुछ थोड़ा बहुत खरीदे भी गए, क्योंकि अगर वॉलमार्ट में आए हैं तो कुछ ना कुछ खरीदेंगे। ये देखो चेक कर रहे हैं भाई सिक्योरिटी गार्ड वाला, बाहर आना पड़ गया भाई। ये ट्रॉली लेके चलते हैं, ट्रॉली लेने के बाद मेरे हिसाब से रोकेगा भी नहीं वीडियो बनाने के लिए। उनको ये लगेगा ये तो खरीदने आया बंदा, वीडियो बनाना मकसद नहीं है इसका। कई जगह रोक लेते हैं भाई, तभी मैं ट्रॉली लेके जा रहा हूँ, और मुझे कुछ खरीदना भी है तो कंफर्टेबल हो जाएगा। बहुत बड़ी मार्केट है भाई, इस देश की करेंसी है मेक्सिकन पैसो, पर ये लिखते हैं देखो डॉलर की तरह, मतलब करेंसी का साइन डॉलर बना रखा है इन्होंने। सबसे पहले दूध से स्टार्ट करते हैं भाई। ये देखो दूध है 34 का, 34 पैसों का आपको एक लीटर दूध मिलेगा। दूध ले भी लिया भाई, चेंज करते हैं भाई, दूसरा दूध लेंगे, ये बड़ा लेंगे। 35 पैसों का दूध है एक लीटर, ये लेंगे भाई। एक किलो दही है भाई 50 पैसों का, नेचुरल योगर्ट ये रहा देखो, एक किलो दही भी ले लिया भाई। अब चलते हैं आगे, सस्ते से सस्ता ब्रेड का पैकेट है भाई 40 पैसों का, ये देखो। पर मैं ये लूंगा नहीं क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगती, दूसरा लूंगा। ये लूंगा भाई मैं 56 वाला, क्योंकि ये मल्टीग्रेन ब्रेड है भाई, ये देखो मल्टीग्रेन लिख रखा है तो ये ठीक रहेगा। मेक्सिको में टोर्टिला होता है जैसे इंडिया में रोटी होती है, ये लिया मैंने, ट्राई करके देखते हैं। ये रोटी वाली बात तो नहीं है, पर देखते हैं भाई। ये पड़ेगा मुझे 29 पैसों का, वैसे सस्ती भी है ये देखो, 16 की है, पर इसमें मुझे दम नहीं लग रहा, ये सेक्यू ही नहीं है भाई, और ये देखो ये सेक्यू ही लग रही है। टोर्टिला लिए भाई मैंने, अगर सही काम किया इन्होंने, टेस्ट सही बना, इसी वीडियो में लिख दूंगा मैं नीचे अप्रूव्ड या फिर कैंसिल। अगर अप्रूव्ड लिखूं तो समझ लेना ठीक है भाई, काम चल जाएगा, या फिर मैं बोल के भी छोटे ही क्लिप ऐड कर सकता हूं। चलो वो आगे की बातें हैं, आपको बता दूंगा। ये भाई गेहूं का आटा है देखो, गेहूं की बाली की फोटो आपको दिख गई होगी, और एक किलो आटे का प्राइस है 21.50 पैसों। ये है भाई चावल, 900 ग्राम चावल है, और इसका प्राइस है 21 पैसों, मतलब 21 पैसों के आपको मिलेंगे 900 ग्राम चावल। और जो मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ये सबसे सस्ती से सस्ती दिखा रहा हूँ भाई, इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिलने वाला मेक्सिको में, याद रखना। ये आलू है भाई, आलू का प्राइस है 44.90 मेक्सिकन पैसो एक किलो आलू। आपको हर वॉलमार्ट में गर्मा गर्म ब्रेड मिल जाएंगी भाई, मतलब ताज़ा बनाई हुई। ये देखो ये बना के यहाँ लगा देते हैं, ये लंबी लंबी ब्रेड है भाई, $23 की एक ब्रेड है ये, ध्यान रखना ब्रेड को हाथ नहीं लगाना है। यहाँ से चमटा उठाओ और यहाँ से ये बर्तन उठाओ और ब्रेड डाल के लेके आओ अपनी। देखो अब मैं डाल के लेके आता हूँ, और फ्रेश ब्रेड लेंगे भाई, जो मैंने ली थी उनको वापस करके आएंगे। 1.60 मेक्सिकन पैसों की एक ब्रेड है ये, छोटे वाली, छोटी छोटी लेंगे अच्छा रहेगा। ब्रेड ला के यहाँ रख दिए भाई, एक ये नई ली है वॉलमार्ट कंपनी की, वही है वो ली थी वो वापस कर देंगे, पर ये लेंगे ये फ्रेश है भाई, एक ये यहाँ से ले ली है। तो मतलब ब्रेड का पोर्शन यहाँ अलग होता है, यहाँ से ले ब्रेड आपको सस्ती मिलेगी और बढ़िया मिलेगी। थैंक यू ग्रासिया, $8 की बनी है भाई, ये 5 ब्रेड छोटी छोटी हैं, और इसका प्राइस है भाई 16.90। पहले ये ली थी, इसको वापस रख के आऊँगा अपना, क्योंकि फ्रेश माल मिल रहा है भाई, जो पहले ये लेके आया था ये वापस रख के आऊँगा, फ्रेश माल की कोई कीमत नहीं है भाई। जो ये पोर्शन है इसमें सारी ब्रेड फ्रेश है भाई, ये देखो
और सस्ती भी हैं, तो पहले वाली को क्यों ना वापस रख के आऊं मैं। वॉलमार्ट में एक स्पेशल पोर्शन ये ब्रेड के लिए होता है, ध्यान रखना। एक लीटर की पानी की बोतल आपको मिलेगी 6.5 पैसों की, डिस्काउंट है भाई 2 पैसों का, नहीं तो 8 की मिलती है। 1 लीटर की पेप्सी है भाई ये, और 1 लीटर की पेप्सी आपको मिलेगी 20 पैसों की। 1 किलो केले आपको मिलेंगे 24.90 पैसों के। 1 किलो सेब आपको मिलेंगे 49.90 पैसों के। 1 किलो लाल प्याज आपको मिलेंगे 73 पैसों के। देखो भाई ये है लाल प्याज, 73 पैसों के मिलेंगे। अगर आपको सफ़ेद लेने हैं तो वो दिखाता हूँ, सफ़ेद वाले आपको 55 में मिल जाएंगे भाई, ये हैं सफ़ेद प्याज। 1 किलो टमाटर आपको मिलेंगे 36 पैसों के, 36.90 पैसों के टमाटर भाई 1 किलो। ये है भाई फलों का राजा आम, इतनी अच्छी क्वालिटी के भी नहीं है, ऐसे ही हैं बीचे बीचे है, गले सड़े है, अपने इंडिया के आमों का मुकाबला नहीं है भाई। और ये आम आपको मिलेंगे 44 पैसों के 1 किलो, 44.90 पैसों भाई, 44 नहीं। ये खीरे हैं भाई, देखो बुचे पड़े हैं, लेने का मन भी नहीं करता, और इनकी कीमत है 14.90 पैसों 1 किलो के। ये शिमला मिर्च हैं भाई, बुची बैठी हैं, और इनका प्राइस है 196 पैसों 1 किलो का। अपने इंडिया में जो 20-20 रुपए के चिप्स के पैकेट आते हैं वो देखो यहाँ 57-57 रुपए के हैं भाई। ये इनकी कोई चिप्स की कंपनी है लोकल, प्राइस देख लो। इंडिया को छोड़ के अब तक मैं जितने देशों में गया हूँ भाई, चिप्स हर देश में बहुत महंगी मिली हैं, बहुत ज़्यादा महंगी, बजट से बाहर। थोड़े से टमाटर और थोड़े से प्याज लिए हैं भाई, क्योंकि मुझे यहाँ कल रुकना है और परसों निकल जाना है। केले और लेते हैं भाई, अब चलते हैं, और अब हमें कुछ नहीं चाहिए। एक ये जूस लेते हैं भाई, पहली बार देखा है, कुछ नया सिस्टम है, स्ट्रॉबेरी का जूस बता रहे हैं, पर 18 पैसों में तो मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी 1 किलो मैंने देखी थी पीछे 55 के करीब रेट था उसका, तो ये सिस्टम समझ नहीं आया मुझे। कोई नहीं, पानी सोच के पी लेंगे भाई, अब इनकी लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आ रही, ले लेते हैं। ट्रांसलेटर से चेक भी कर लिया भाई मैंने, पानी बहुत है इसके अंदर, जूस और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों ये, पर कुछ नया है, गर्मी बहुत है ना यहाँ पे, तो ट्राई कर लेते हैं, कम से कम ये सोच के कि 2 लीटर पानी गया अंदर। अब बिल करवाते हैं भाई, और आपको बताऊंगा कि कितने का बिल हुआ। बिलिंग काउंटर पे चलते हैं, टोटल 227 डॉलर का बिल बना है भाई। और ये बैग आपको दिख रहा है ना, इसकी कीमत है 14 पैसों, मतलब 14 पैसों, देख लो भाई, 248 डॉलर, 248 पैसों। जिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया है, बैंक वालों का मैसेज आ गया भाई, 1226 रुपये कटे हैं मुझे, 248 मैक्सिकन पैसों के। और तो सारी बात ठीक है भाई, पर जो ये बैग लिया ना, इस बैग के 14 पैसों मुझे बहुत ज़्यादा लगे, और तो फिर भी मैं ठीक मान लूँगा, क्योंकि मैंने सामान खरीदा है, पर इतना महंगा बैग मैंने कभी नहीं लिया, ये लगा लो मुझे 70 रुपये के करीब पड़ गया। इतने में तो भाई इंडिया में अच्छा वाला मिल जाता। चलो अब बात करते हैं भाई होटल की या हॉस्टल की, तो मैं आपको बता दूं, कम से कम आपको एक दिन मेक्सिको में रहने का, यानी कैनकुन सिटी में रहने का, 1000 इंडियन रुपए तो देना ही पड़ेगा, मिनिमम है भाई। अगर 1000 में मिल गया तो आपके लिए अच्छी बात है, और 1000 रुपए में आपको हॉस्टल मिलेगा। होटल की मत सोचना, होटल तो बहुत महंगे हैं भाई। अगर आप अमेरिका से तुलना करो होटलों की, तो मेक्सिको में सस्ते हैं, बाकी खाने पीने का और जो डेली लाइफ की जो और चीज़ें हैं वो मुझे महंगी लग रही है मेक्सिको में। अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जो कैनकन सिटी में बसें चलती हैं भाई, जो सरकारी बसें हैं, वो आपसे 10 पैसों या 12 पैसों लेंगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अच्छा, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो आपको एडो नाम की कंपनी, एक ADO, उसकी बसें ऑनलाइन बुक कर सकते हो आप, या फिर बस स्टेशन पे जाके टिकट ले सकते हो। अगर आप कैनकन बस स्टेशन सर्च मारोगे तो आपको वो कंपनी मिल जाएगी, और वहाँ जाके टिकट खरीद लेना, कोई बड़ी माया नहीं है। तो मैंने आज के वीडियो में दिखाया कैनकन सिटी मेक्सिको कितना महंगा है भाई। आई होप आपको मजा आया होगा, ऐसे ही आपको देश दुनिया से दिखाता रहूंगा कौन सा देश कितना महंगा है कितना सस्ता है। तो ये चीजें देखने के लिए तुम्हारे भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी, और सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पे भी। तो चलते हैं भाई, बाय बाय, जय हिंद जय भारत फ्रॉम मेक्सिको।